तो फाइनली जिस मूवी का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। द स्टार किड से सजी द आर्चीज के लिए लोग कितने एक्साइटेड थे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस एक्साइटमेंट के पीछे की वजह है वो तीन बड़े स्टार किड्स जो बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार्स बन सकते हैं। लोग ये जानने को बेताब हैं कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर अपने पहले टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं, क्या तीनों एक्टिंग कर पाए हैं, क्या तीनों में स्टार बनने की काबिलियत मौजूद है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या आया है इसका रिजल्ट। द आर्चर्स की कहानी बिल्कुल सिंपल है और इस कहानी में जोया ने रंग भरने की कोशिश की है लेकिन उनका डायरेक्शन बिल्कुल फीका रहा है। 10 मिनट की फिल्म देखने के बाद आपको अगली सारी फिल्म की स्टोरी का पता चल जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है द आर्ची यानी कि अगस्त्य नंदा के अपने ही छोटे से हिल स्टेशन रिवरडेल के इतिहास बताने से। रिवरडेल को एक एंग्लो इंडियन कपल ने भारत की आजादी से पहले बसाया था। आजादी के बाद कई लोग मुल्क छोड़कर चले गए और कुछ इस हिल स्टेशन में ही रह गए। रिवरडेल के बीचों बीच एक ग्रीन पार्क के नाम की एक जगह है जिसे सबसे पहले बसाया गया था और यहाँ पर हर बच्चे के 5 साल के होने पर हर जगह पर एक बच्चे के नाम पे ग्रीन पेड़ लगाया जाता है। आर्ची के दोस्त हैं खुशी कपूर, महेरा ओझा, विदंग राणा, युवराज मिंडा, इसके अलावा वेरोनिका लाज जो कि सुहाना खान है और जो कि आर्ची के सबसे खास दोस्त हैं, जिसे वो अपना दिल भी लगा चुके हैं। वेरोनिका 2 साल के बाद लंदन से वापसी पर रिवरडेल आई हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई और मस्ती में लगी हुई हैं। वहीं उनके पिता हाइमरलोज का कुछ और ही प्लान है। वो एक बिजनेसमैन है जो रिवरडेल में एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाना चाहते हैं। इसके लोकेशन के तौर पर उन्होंने ग्रीन पार्क को चुना है। ऐसे में आर्ची और उसके दोस्त कैसे ग्रीन पार्क को बचाते हैं, यही पूरी फिल्म है। एक्टिंग के लिहाज से बात की जाए तो मूवी के तीनों स्टार्स सुहाना, अगस्त्य और खुशी ने बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग की है। इन तीनों ने एक्टिंग की पढ़ाई की है दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई करके, लेकिन वो पढ़ाई फिल्म में नहीं दिखती। कई जगहों पर तो वो एक्टिंग क्रिंज लगती है, हालांकि कई लोगों को ये अच्छी भी लग सकती है। कुल मिलाकर आर्ची द वन टाइम मूवी है लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। वेल, आपको क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।